पाँच मिनट से रुका हुआ है, डिपार्चर का टाइम इसका हो ही गया, दो मिनट में खुलेगा यहाँ से। चलिए जब तक खुलता है तब तक अपना केला एंजॉय करते हैं। और ये देखिए दोस्तों अपना बिहारी जुगाड़, यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है सूखने के लिए, और ये वाला जो है ये हम लोग का सीट है। अभी दोस्तों देवरिया सदर के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अपने ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप गोरखपुर जंक्शन पे, जैसा आप लोगों को कहे थे कि दिखाएंगे। और देखिए लाइट भी आ गया तो फुटेज भी अच्छा आ रहा होगा। पानी दीजिए था भैया, बीस बीस रुपया काट लिए हो, सर्विस है नहीं तो मजबूरी में 20 रुपया में एक पानी का बोतल लेना पड़ा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि अपना ट्रिप तो हो चुका है कंप्लीट, और आप लोगों के लिए वीडियो बहुत लेट आ रहा होगा, इसके लिए तो पहले माफी चाहते हैं, क्योंकि पहले से अगर डाल देते तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए सोचे कि आराम से ही हर दिन के हिसाब से कंटिन्यू के हिसाब से ही वीडियो जाए। तो चलिए दोस्तों अपने इस ट्रिप को आज स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ, और बने रहिएगा, बहुत ही अमेजिंग एपिसोड आने वाला है, और ये सारे सीरीज में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। तो आज अपना ट्रिप का पहला दिन है, अभी हम लोग समस्तीपुर जंक्शन पे हैं। चाहते तो घर से ही वीडियो को स्टार्ट कर सकते थे, बट यहाँ आके किए क्योंकि जल्दीबाजी में थे, इसलिए लेट नहीं हो जाए, इसलिए सीधा यहाँ पहुँच गए। तो आपको आज बता दें अपनी ट्रेन है बिहार संपर्क क्रांति समस्तीपुर से दिल्ली के लिए, फिर वहाँ जाने के बाद फिर आगे का क्या ट्रिप है वो तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो आज का अपना ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति समस्तीपुर से वही 9:30 के करीब, अभी 9 बज रहे हैं, चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, सारे लोग आ गए हैं। बहुत ही अमेजिंग सा ये सीरीज दोस्तों होने वाला है, और अनोखे टेस्ट के साथ, अनोखे जायके के साथ, और बहुत ही बेहतरीन प्लेस आपको विजिट कराएंगे। तो पूरा एपिसोड में दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस ट्रिप का, इस सीरीज का हिस्सा बन जाइए, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो लोग दोस्तों इंस्टा पे थे उन लोगों को पहले पता चल गया होगा कि हम कहाँ गए थे, कहाँ का ये अगला एपिसोड आने वाला है, सारा अपडेट वहाँ पे पहले मिल जाता है। तो सभी लोग दोस्तों प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं अंदर और अपने इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए आप लोग। इधर दोस्तों अपना टोटली सामान रखा हुआ, और ये सारे भाई, ये तीन लोग जो आपको देख रहे हैं ये छोड़ने आए हैं, और ये दोनों साथ है, बहुत लोग इस दोनों को पहचान रहे होंगे, अगर नहीं पहचान रहे हो तो पूरे ट्रिप में ये लोग साथ रहने वाला है। और इधर देखिए कुछ मेरा सामान है, ये दो बैग है, इसमें तो पूरा कंबल सही, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं तो भयानक ठंड होने वाला है, और जो पुराने दोस्त हैं इंस्टाग्राम के वो लोग समझ गए होंगे। और इधर इस लोग का सामान है, फोन नंबर एक पे यहीं पे आने वाली है बिहार संपर्क क्रांति, जब ट्रेन आती है तब आप दिखाते हैं। दोस्तों S8 है जहाँ पे बॉगी इंडिकेट होता है, ये देखिए यहाँ S7 हो रहा है, यहाँ S8 लगा हुआ है, और अपना S10 है जो आगे फिर जाना पड़ेगा, और इतना सामान लेके फिर आगे जाना। चलिए चलते हैं बॉगी में, फिर आपसे मिलते हैं। सॉरी दोस्तों वो सामान सेट करने में रह गए, इसलिए ट्रेन का डिपार्चर लेना भूल गए। चलिए अभी सामान वामान सेट करते हैं, भीड़ पूरा ट्रेन में, और इधर देखिए कितना मस्त कर्विंग लग रहा है। मिलते हैं सीधा आपसे मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का फर्स्ट स्टॉप मुजफ्फरपुर जंक्शन, ऐसे तो सेकंड स्टॉप है लेकिन मेरे लिए फर्स्ट स्टॉप है, और लगभग यहाँ 5 मिनट का स्टॉपेज है। तो खैर दोस्तों ट्रेन में आपको क्या ही दिखाएंगे, यहीं पे रुके तो बता दिए, अभी यहाँ पे लगभग वही 5 मिनट का स्टॉप है, यहाँ से निकलता। और भाई साहब भीड़ ट्रेन में बहुत ज्यादा है, जिसके कारण सामान भी सही से सेट नहीं कर पा रहे थे, ठंडा का मौसम है, एक आदमी का 4-4 बैग रहता है, दिक्कत होता है, इसलिए आपको समस्तीपुर से डिपार्चर भी नहीं दिखा पाए। तो अब मिलते हैं सीधा दोस्तों आपसे सोनपुर जंक्शन पे। अभी दोस्तों हम लोग हैं वाशरूम के अंदर, और देखिए मिरर तो बस साफ है लेकिन वाशरूम का कंडीशन बहुत ही गंदा, दिखाने लायक नहीं है, बदबू कर रहा है बहुत गंदा। बस आपको बताना था कि ट्रेन को खुले हुए अब 1 घंटा भी नहीं हुआ, अभी वाशरूम का कंडीशन इतना घटिया है, बदबू बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाहर जाते हैं। अभी दोस्तों हम लोगों ने ये लेमन टी लिया है, और ट्रेन में आप लोग भी प्रेफर कीजिए दूध वाला चाय, कैसा होता है हमको बताने का जरूरत नहीं है।
ट्राई करके देखते हैं, काफी मसालेदार लग रहा है देखने से। ठंड के मौसम में सुबह सुबह का जर्नी और इतना मस्त चाय है। 10 रुपये पर कप था, प्राइस सही है टेस्ट के मुकाबले, क्योंकि वो दूध वाला चाय कैसा होता और प्राइस भी यही रहता और कोई मजा भी नहीं आता। बेस्ट है, सही है, पी सकते हैं आप लोग भी। और मिलते हैं आप लोगों से सीधा सोनपुर में, देखते हैं मेला खत्म हो गया कि लगा हुआ है कि नहीं। ट्रेन पे से थोड़ा बहुत दिखाई देता है, अगर दिखता है तो दिखाते हैं आपको। अभी दोस्तों हम लोग पहुंचे इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप, हम लोग के लिए वैसे तो तीसरा है हाजीपुर जंक्शन। कुछ खास भी नहीं है वैसे लगने का मुजफ्फरपुर के मुकाबले, इसको क्या ही कवर करें। मिलते हैं आपसे सीधा सोनपुर में। इधर प्रतीक केला लेके आया, नीचे गया था तो इसको बोल दिए थे लाने के लिए। कितना का दिया रे? 10 रुपये का दिया था दर्जन। 10 रुपये का, अच्छा मतलब 20 का दर्जन। और हाजीपुर आए और ये वाला केला नहीं खाएं तो क्या हाजीपुर आए फिर। वो ट्रेन लगभग 5 मिनट से रुका हुआ है, डिपार्चर का टाइम इसका हो ही गया, 2 मिनट में खुलेगा यहाँ से। चलिए जब तक खुलता है तब तक अपना केला इंजॉय करते हैं। तो अपना केला है, इसको चलिए ट्राई करते हैं। और सुन, यहाँ हाजीपुर का केला है तो खराब तो होगा नहीं, खैर छोटा छोटा सा केला, इसको वैसे चिनिया केला कहा जाता है। और सुबह सुबह के टाइम में केला का फिर अलग ही फायदा है और साथ में टेस्ट भी उतना ही अच्छा। ट्राई करते हैं। मीठा केला दोस्तों, और ये इतना छोटा छोटा केला आप अगर 12 पीस भी एक दर्जन भी अकेले खा जाइएगा फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, और हेल्दी तो खा रहे हैं। मेला तो दोस्तों पूरा ही ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ही कम हो गया। हम लोग जब आए थे तब कुछ थोड़ा बहुत भी था, ऊपर आई बटन में लिंक दे देंगे जाके देखिएगा, अभी तो कुछ है ही नहीं और धीरे धीरे तो और कम ही होते जा रहा है। पहुंच गए इस ट्रेन का चौथा होल्ट सोनपुर जंक्शन, सोनपुर जंक्शन। यहाँ इसका वही लगभग 2 से 3 मिनट का होल्ट होगा, ज़्यादा देर प्लेटफॉर्म पे रहेंगे नहीं क्योंकि तुरंत ही खुल जाएगा। और अभी तक तो ट्रेन बिल्कुल ही राइट टाइम है, यहाँ बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ है। और बिहार संपर्क क्रांति का अच्छा ये है कि यहाँ बहुत कम स्टॉपेज है इसमें, तो यहाँ से ट्रेन खुलता है डिपार्चर दिखा। केला खा के तो मन खुश हो गया, इतना बेहतरीन केला था। चलिए चलते हैं अंदर क्योंकि ज़्यादा देर का स्टॉप नहीं है, मिलते हैं सीधा आपसे छपरा जंक्शन पर। और ये देखिए दोस्तों अपना बिहारी जुगाड़, यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है सूखने के लिए, और ये वाला जो है ये हम लोग का सीट है। भींगा हुआ कपड़ा होगा उसको आराम से डाल दिए कि सूख जाएगा। और यहाँ भी केला मिल रहा है, हाजीपुर सोनपुर का केला का तो फिर बात ही जुदा है। चलिए चलते हैं अब अंदर। भाई साहब भीड़ देखिए छपरा जंक्शन पे कैसा है, भाई साहब भीड़ देखिए कितना ज़्यादा है छपरा जंक्शन पे। हम नहीं गए नीचे, वही ठीक रहा, कहीं सीट नहीं छिटा जाता, सब वेटिंग वाले होंगे अधिकतर। भीड़ एक बार आप देखिए, बाप रे बाप, हालत ख़राब हो जाएगा इतना भीड़ में।
अभी वैसे ये लास्ट ही है, हमको नहीं लगता है यूपी में कोई लोग यहाँ वोट करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे सीधा गोरखपुर में। दोपहर के दोस्तों 1:30 बज रहे हैं और अभी हल्का फुल्का भूख लगा है क्योंकि घर से खा के निकले थे, उसके बाद वही केला वाला खाए हैं। इधर प्रतीक अपना खाना निकल रहा है जो घर से पैक होके आया था, और भाई साहब ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा है। इधर अपना लंच का सेटअप दोस्तों लग रहा है, उधर घर से जो खाना आया तो वो है, निकालते हैं दिखाते हैं आपको उसमें क्या है। इधर दोस्तों अपने घर से जो खाना आया तो वो है पूरी है, आलू की सूखी सब्जी और साथ में मिर्ची है। घर के खाना का दोस्तों क्या ही आपको टेस्ट बताएं, भूख बहुत जोर का लगा हुआ है, इसको खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ठंड के मौसम में दोस्तों यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा ही, अभी तो ये पूरी है तो खैर ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इसलिए थोड़ा सा हल्का लेकिन टाइट हो गया है, फिर भी ट्रेन के मुकाबले सही है। पेंट्री में जैसा 100-120 रुपये में खाना मिलता है उससे तो अच्छा ही है। तो पेंट्री वाले थाली से तो लाख गुना बढ़िया है, और घर का तो कैसा हाइजीनिक और खुद से बना के। खैर हो सकता है तो रात में कहीं से ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन या फिर पेंट्री से लेंगे क्योंकि अभी वाला खाना सब पूरा ठंडा हो जाएगा। तो इसको ख़त्म करते हैं दोस्तों और मिलते हैं सीधा आपसे गोरखपुर में। इधर देवरिया में देखिए दोस्तों डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है। दोस्तों देवरिया सदर के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप गोरखपुर जंक्शन पे, जैसा आप लोगों को कहे थे कि दिखाएंगे। और देखिए लाइट भी आ गया तो फुटेज भी अच्छा आ रहा होगा। इस स्टेशन की दोस्तों बात की जाए ना तो ये एशिया का नहीं, शायद पहले तो ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट स्टेशन था, अब पता नहीं शायद एशिया का रह गया, लेकिन अभी भी एशिया का लॉन्गेस्ट स्टेशन है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट है या सेकेंड लॉन्गेस्ट ये आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताइएगा, हमको कन्फ्यूजन है, नेट भी सही से नहीं चल रहा नहीं तो देख के बता देते। और काफ़ी दोस्तों स्टेशन पे साफ़ सफाई बहुत अच्छा है, जैसा आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे पूरा क्लीन है। और यहाँ पे जगह जगह पे दोस्तों ब्रेड आमलेट बहुत मिल रहा है। खैर लो हम लोग तो खाना खा लिए इसलिए कुछ लेंगे नहीं, और ज़्यादा खा के नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है, सोने का कोई जगह नहीं, इतना भीड़ भाड़ है। यहाँ ट्रेन का लगभग 15 मिनट का स्टॉप है, शायद यहाँ पर गार्ड और लोको पायलट चेंज होते हैं, पता नहीं क्या, शायद ऐसा हम सुने हैं, देखते हैं फिर ट्रेन जब निकलता है तब आपको डिपार्चर दिखाते हैं। ये दोस्तों बाथरूम में से पूरा पानी लीक हो रहा है, अब ये पता नहीं जल्दी से ठीक हो जाए नहीं तो और दिक्कत होगा। पानी दीजिए तो भैया हो तो पानी दीजिए। आलू पकौड़ी खाइए, चिट्टा नाश्ता उड़ी अभी दोस्तों वो S6 वाला जो RAC वाला सीट था उसको छोड़ के इधर S10 में अपना स्लीपर वाले सीट पे आ गए हैं। अपर बर्थ है एक तो ये जिसपे लेटे हुए आपको रुकी सीट दिखाते हैं, एक तो ये दोस्तों ये अपना अपर बर्थ है, प्रतीक इधर बैठे हुए हैं, और वो जो वाला जो दोस्तों सीधा साइड अपर वाला वो भी अपना ही है। इधर वो सारा बैग रख दिए हैं, तो वो भैया लोग भी बहुत देर से खड़े थे उन लोगों को दे दिए क्योंकि एक ही सीट पर हम दो आदमी क्यों बैठते हैं, हम लोग इसमें एडजस्ट हो गए। आप देखिए कैसा भीड़ है भाई साहब, जनरल से भी बुरा हाल है, दे दिए उन लोगों को भी, वो लोग थोड़ा भी रेस्ट कर लें कि आज हम लोग के पास सीट कंफर्म हो सकता है तो कल नहीं रहे तो कल हम लोग का भी वही हाल होगा, तो भाई हमें ही मदद कर दें। अभी दोस्तों अगला स्टॉप इसका गोरखपुर से अभी निकला है ट्रेन, इसका अगला स्टॉप है बादशाह नगर, उसके बाद S-बाग, उसके बाद कानपुर। तो मिलते हैं दोस्तों सीधा कानपुर सेंट्रल में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, निकलने आने में तो हालत ख़राब हो जाता है, और कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, सुबह से इतना हरासमेंट हो गया है। देखते हैं कानपुर सेंट्रल पहुंच के ही सीधा आपसे मिलते हैं, और वैसे बीच में अगर कुछ मिलता है वैसे दिखाने का तो दिखाते हैं। इधर दोस्तों अपना डिनर कर रहे हैं, वही जो घर से लाए थे वही बचा हुआ था, और पेंट्री का खाना जो देखें
भाई साहब पूछिए मत, दाम भी बहुत ज़्यादा ले रहे थे और देख के किसी गत का नहीं लग रहा था। इधर हम आपको दिखाते हैं, ऐसे तो दिखाने लायक है नहीं, सुबह का बचा हुआ ठंडा हो गया है, लेकिन पेंट्री से अच्छा है, हाइजेनिक तो है। सामने में घर में बना है, कैसा साफ सफाई में बना है वो पता है। अभी अगर हेल्थ गड़बड़ हो गया तो पूरा ट्रिप बिगड़ जाएगा, इसलिए जो बचा कुचा है खाते हैं। और हो सकेगा तो कानपुर में नहीं उतर पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, पहले खा के आपसे मिलते हैं। लाइए दो बजे हमको दे दीजिएगा, लाइए एक और लाइए। अमूल वाला लीजिए, हो बीस बीस रुपया काट लिए हो। रात के टाइम में दोस्तों कोई सर्विस है नहीं, तो मजबूरी में 20 रुपया में एक पानी का बोतल लेना पड़ा। लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों दिल्ली जंक्शन, और ये ट्रेन अपनी पहुंचाई है 5 मिनट बिफोर। अभी सुबह के आप लोग देख लीजिए 5:10 हो रहे हैं और 5:15 में इसका पहुंचाने का टाइम है। और भीड़ देखिए भाई साहब कितना ज़्यादा है। हम लोग आराम से ही अपने सीट पे अभी तक सेट हैं, जब सब खाली हो जाएगा तब उतरेंगे। और इतना सारा सामान दोस्तों इधर भी है और मेरे पीछे भी है, सारा सामान निकालना सबसे टफ काम है। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 5:10 और हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली जंक्शन। ट्रेन अपनी पहुंचाई है दोस्तों 10 मिनट बिफोर, 5:05 में ये स्टेशन में एंटर कर ली थी। और पीछे ये दोस्तों जितना आप सारा भीड़ देख रहे होंगे, ये सारा इसी ट्रेन से निकला है, टोटल ही अपने बिहार के लोग हैं। निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। कैसा लगा आपको ये सब वीडियो बताइएगा कमेंट करके। वैसे तो कुछ स्पेशल था नहीं, फिर भी अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा। निकलते हैं यहाँ से, होटल लेते हैं। होटल भी कोई बुक नहीं है, वो भी ढूंढना पड़ेगा, और सुबह के 5 बजे वो भी मिलना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, और अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ है, ये जर्नी शुरू ही हुआ। आप लोग बने रहिए दोस्तों लास्ट तक, बहुत ही अमेजिंग एपिसोड आने वाले हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और यहीं से एक और ब्लॉग को शुरू करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों फिर आपसे किसी और ऐसा ही नए से ब्लॉग में।